दर्शक बंधु, पुराण रे चारि गोटी युग विषय कहा जाइछि, सत्य युग, त्रेता युग, द्वापर युग एवं कली युग। कली युग को छाड़ी देले तीनि गोटी युगर निज निजर किछि ना किछि विशेषत्व रहिछि। कली युगरे विशेषत्व किछि मध्य देखा जाए नहीं, चारि आड़े खाली अहंकार, प्रतिशोध, लोभ एवं आतंक ही देखा जाए। कली युग को एक अभिशाप बोली कहा जाए, जहाँ को प्रत्येक मनुष्य भोग करुछि। टेक्निक्र अत्यधिक विकास मध्य एही युगरे ही हेछि, किंतु कौन केवल एही कथा पई एहार नकारात्मक शक्ति को आमे नजरअंदाज करदबा? बोधहुए कौनसी भी व्यक्ति एही प्रश्नर उत्तर हाँ रे देव नहीं। महान गणितज्ञ आर्यभट्ट निजर बही आर्यभट्टम रे एही विषय रे उल्लेख करिछंती कि जेतेबेले तांकु 23 वर्ष हेथिला, सेतेबेले कलियुगर 3600 वर्ष चलीला। आर्यभट्टर जन्म 476 ईसवी रे हेथिला। गणना करागले कलियुगर आरंभ 3102 ख्रीष्टपूर्व रे हे सारीला। कौन आपण मैने केबे एही कथा को ध्यान देइछंती कि एमिति कौन कारण थिला जहाद्वारा कलियुग को धरित्री ऊपर को आसीबा को पड़िला, एवं से केवल आसिला नहीं बरंग आसिकी एठारे रही ही गला। आज आम यही भिडियो आपण मानक कहिबाकु जाउछु धरित्री उपरे कलियुगर आगमनर एक कहानी। हाँ दर्शक बंधु, यही कथा से ही समय अटे, जेतेबेले धर्मराज युधिष्ठिर निजर पूरा राज्य परीक्षित समर्पण कर पांडव एवं द्रौपदी सहित महाप्रयाण पर हिमालय को चलीगले। से ही समय स्वयं धर्मराज बलदर रूप नहीं गाई रूप धारण करथिबा पृथ्वी माता सहित सरस्वती नदीकूल भेट हेले। पृथ्वी रूपी गाईर आखि लुहरे भर्ती थिला, तांको आखिरु लुह झरुथिला। पृथ्वी को देखी धर्मराज तांको तांको दुखर कारण पचारिले। धर्मराज कहिले, देवी कौन तुमे एही कथारे दुखित अछ कि एबे तम उपरे खराब शक्तिर शासन हेबाकु जाउछि? सेतेबेले पृथ्वी कहिले, हे धर्मराज, तुमे तो सर्वज्ञ, एसबु केमिति पचारुछ? भगवान श्रीकृष्णंकर जेऊ चरणर सेवा लक्ष्मी माता स्वयं करंती, सेथिरे पद्म, वज्र, अंकुश, ध्वजा सबु विराजमान अचंती, आउ सेही पाद मो उपरे पड़ुथला, जहाद्वारा मुँ निजकु सौभाग्यवती मने करुथिली। एबे मोर सौभाग्य शेष होइगला, एहा ही मोर दुखर कारण अटे। धर्म एवं पृथ्वी निज निज भितरे कथा हेउथिले कि एही समय रे असुर रूपी कलियुग सेठाकु आसीगले, एवं बलद एवं गाई रूप धारण करितबा धर्म एवं पृथ्वी को मारिबाकु लागिले। राजा परीक्षित से स्थान देइ जाउथिले, जेतेबेले से ही दृश्य निजर आखिरे देखिले एवं से कलियुग उपरे बहुत रागिगले। से तांकर धनु उपरे तीर रखी कलियुग को कहिले, दुष्ट पापी तु किए एही निरीह गाई एवं बलदंगु काहेकि हैरान करुछु? तु महान अपराधी अटु, तोर अपराध क्षमा योग्य नुहे, तोर बध सुनिश्चित अटे। राजा परीक्षितंकर क्रोध देखि कलियुग डरिकि कंपी उठिला। से भयभीत होई निजर राक्षस बेशकु त्याग करी राजा परीक्षितंकर पाद तले पड़िगले एवं क्षमा मागिला। राजा परीक्षित शरण पशिथिबा कलियुग को मारिबा उचित बोली भाबिले नाही। से कहिले कि, हे कलियुग, तुम्हें मोर शरण पशिछ, सेथिपाई मु तुमको जीवन दान देउछि, किंतु अधर्म, पाप, मिछ, चोरी, कपट, दरिद्रता एवं उपद्रवर मूल कारण तुम्हें ही अट। तु मोर राज्यरु एबे बाहरी जाओ, आउ केबे भी फेरिकी आसिबनी। परीक्षितंकर कथा सुनिकी कलियुग कहिले कि, पूरा पृथ्वी उपरे आपणंकर निवास अटे। पृथ्वी उपरे एमिति कौनसी भी स्थान नहीं जेउठी आपणंकर राज्य नहीं, एमितिरे मोते रहिबाकु स्थान आपण प्रदान करंतु। कलियुगर कहिबा अनुसार राजा परीक्षित बुझी विचारी कहिले, मिछ, जुआ, परस्त्री एवं हिंसा एहि चारि गोटी स्थान रे असत्य, मद, बासना एवं क्रोध रहितांती, तू एही सबु स्थान रे रही परिबो। एहा सुनी कलियुग कहिला, हे राजन, एही चारि गोटी स्थान मोर रहिबा पई पर्याप्त नुहे, मते आहुरी जागा दरकार। एहा उपरे राजा परीक्षित ताकु सुना रूपरे पंचम स्थान देले। कलियुग को एही स्थान मिलिजिबा परे से सेठारु चलीगला, किंतु किछि दूर जिबा परे
ଅଦୃଶ୍ୟ ରୂପରେ ଫେରିକାସି ସେ ରାଜା ପରୀକ୍ଷିତଙ୍କର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁକୁଟ ଉପରେ ବାସ କରିଲା। ଏହି ପ୍ରକାରରେ କଳିଯୁଗର ଆଗମନ ହେଲା। दर्शक बंधु एहा ही थिला कलिजुग आगमन विषय किछि कथा। जदि आपण मानंकु आमर एही कथाटी भल लागिछि ताले निश्चिंत भाबरे कमेंट बॉक्स रे आपणकर मतामत जणंतु। धन्यवाद। डीटीवी ओडिया देखिवा पई सब्सक्राइब करंतु एवं बेल आइकन को मध्य दबाई दियंतु। घरे टेंशन बाहरे भी टेंशन पोर चाकरी पई हो झियर बाहा घर पई हो घरे अशांति मुंड उपरे ऋणर बोझ कोर्ट कचेरी मामला आउ जमी जमा विवाद ए सब भितरे आपण माने घंटी होउछंती ना। ए सब टेंशन रो मुकुलिवार रास्ता खोजुछंती कि जानिबा को चाहुछंती आपण को समस्या रो समाधान केबे एवं किपरि हेबो देखंतु भाग्य चक्र आपण समस्त प्रश्न रो उत्तर पाई परिबे आम कार्यक्रम रे। भाग्य चक्र प्रति मंगलवार गुरुवार रविवार राति 9 टा रे केवल डीटीवी ओडिया रे।